देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ था, सॉल्व द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर थ्री एक्स डॉट टैन फोर एक्स। ये हमारे पास दिस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टैन फोर एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी और बोला था कि कौन सी एक्स की ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे को सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं सबसे पहले एक बार ये जो टैन फोर एक्स है उसको एक बार लेफ्ट साइड पे लेकर आता हूँ, ठीक है, और कॉमन निकालता हूँ, मतलब टैन फोर एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। क्या बच जाएगा मेरे पास में, टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर 3x। ये चलेगा यहाँ तक तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टर्म है उसको वहाँ डिनोमिनेटर में लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी tan 4x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा मेरे पास में tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक बार क्या करता हूँ मैं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि उल्टा कर सकूँ। मैं इसको साइन चेंज कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो टैन फोर एक्स इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थ्री एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या देगा मेरे पास में, वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर थ्री एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब टैन फोर एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी टैन थ्री एक्स माइनस टैन एक्स, पहला टर्म। दूसरा टर्म विल बी टैन थ्री एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे विल बी वन माइनस टैन थ्री एक्स इंटू टैन एक्स, पहला टर्म। सेकेंड टर्म वन प्लस टैन थ्री एक्स इंटू टैन एक्स, यहां तक क्लियर हो गया। सो दिस विल बी, देखिए अब यहां पे नोट करेंगे अगर, तो मैं बोल सकता हूँ टैन ए प्लस टैन बी, सॉरी यहां पे मैं इसको भूल गया, यहां पे टैन एक्स आएगा, ये एक सेकेंड इसको चेंज कर लेते हैं, दिस इज टैन एक्स। ओके ओके, अब देखेंगे यहां पे बोलता हूं मैं टैन ए प्लस टैन बी अपॉन बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ये देखिए नोट करेंगे tan a प्लस tan b अपॉन बाय 1 माइनस tan a इनटू tan b, दिस इज tan a प्लस b, तो ये तो फॉर्मूला tan a प्लस b का बन रहा है। सिमिलरली tan a माइनस tan b, देखिए tan a माइनस tan b अपॉन बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan a माइनस b का। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएंगे, tan ऑफ a माइनस b इज tan a माइनस tan b अपॉन बाय 1 प्लस tan a इनटू tan b, पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट टैन ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इज टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी अपॉन बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा टैन फोर एक्स इज इक्वल टू टैन थ्री एक्स माइनस एक्स इंटू टैन थ्री एक्स प्लस एक्स। तो दिस विल बी tan 4x is equal to tan 2x into tan 4x। ये क्लियर हो गया, देखिए 3x minus x is 2x and 3x plus x is 4x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को वापस इधर ले आता हूँ, तो tan 2x, ये देखिए सिंप्लीफाई हो गया पूरा, tan 2x into tan 4x minus tan 4x that is equal to 0। अब कॉमन क्या निकालेंगे, tan 4x, तो tan 4x कॉमन, क्या बच रहा है मेरे पास में, tan 2x minus 1 that is equal to 0। तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि मेरे पास में दो इक्वेशन आएंगी, एक होगी tan 4x is equals to 0 और दूसरी होगी tan 2x minus 1 is equals to 0। So this will be 4x is equals to n pi, x is equals to n pi by 4। जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से लिखेंगे तो x is equals to n pi by 4, पहला आंसर क्या आ गया। दूसरा क्या आएगा हमारे मेरे पास में, tan 2x is equals to 1, तो tan 2x is equals to 1 कब होता है, tan pi by 4 पे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो यहाँ होता है मेरे पास में थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में थीटा दैट इज 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा पाई बाय 4, सो x आ जाएगा मेरे पास में n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। तो मेरे पास में दो आंसर आएंगे, एक होगा x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4 और एक है x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, ठीक है।